आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कैट एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैट एग्जाम क्या है, कैट एग्जाम कौन दे सकता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ कैट एग्जाम देने के बाद आपको आगे क्या करना होता है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कैट एग्जाम देने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, कैट एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप अपना करियर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसलिए आपको कैट एग्जाम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मेरा नाम है आयुष और आप सभी देख रहे हैं आयुष अरेना यूट्यूब चैनल। तो चले अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिस तरीके से किसी भी कोर्स को करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आपको MBA करना है तो आपको कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों, कैट का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट कैट का एंट्रेंस एग्जाम दे के MBA में एडमिशन लेता है तो जो उसकी MBA की पढ़ाई होती है वो IIM कॉलेज से होती है। IIM बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरीके से इंजीनियरिंग करने के लिए IIT बेस्ड होता है, मेडिकल करने के लिए एम्स बेस्ड होता है, उसी तरीके से MBA की पढ़ाई के लिए IIM बेस्ड होता है। कैट का एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ MBA कोर्सिंग करो। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, जैसे कि MBA तो होता ही, उसके अलावा MMS होता है, PGPPM होता है, इस तरीके के और भी बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं जिसे कैट एग्जाम पास करने के बाद आप वो कोर्स कर सकते हो। कैट का एग्जाम साल में एक बार होता है, यह ऑनलाइन मोड होता है, और एक और अच्छी बात इसमें है कि इसमें आपको अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब तक चाहो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो अगस्त या सितंबर के महीने में आता है, और ये जो एग्ज़ाम है वो आपको नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में कराया जाता है, और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको जनवरी के महीने में मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कैट का एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में है तब आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप MBA करना चाहते हो तो आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हो। MBA आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। MBA के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बने हैं, तो आप वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा। तो अगर आपको MBA करना है, मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो कैट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, कैट का एग्ज़ाम जो है, इसको देने के लिए ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं, अगर आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तब भी आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैट एंट्रेंस एग्जाम की एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का, और ये जो पेपर होते हैं ये 300 मार्क्स का होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो आपको होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 पार्ट होते हैं, इन तीनों को मिला के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ये MCQ टाइप और नॉन MCQ टाइप दोनों तरीके के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQ टाइप होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उसको आपको चुनना होगा। जो MCQ टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें आपको अगर आप सही आंसर दे तो ये 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपका आंसर गलत होता है तो इसमें आपको -1 मार्किंग भी होगी। लेकिन जो नॉन MCQ क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें आपको सही अगर आप आंसर दोगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर पे इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम जान लेते हैं कि कैट एग्जाम पास करने के बाद आपको आगे क्या करना होगा, और आपको MBA की पढ़ाई करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या जॉब मिलेगी, ये सारी बातें करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप MBA की पढ़ाई कर सकोगे IIM जैसे इंस्टीट्यूट से, जो कि बेस्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को MBA करना होता है तो उसका सपना होता है कि वो IIM जैसे इंस्टीट्यूट से MBA करे, और अगर आप IIM जैसे इंस्टीट्यूट से MBA कर लेते हो तो दोस्तों, आपको अपनी जब पढ़ाई ख़त्म होगी तो उसके बाद आपको इतना ज़्यादा आपको जॉब अच्छी मिलेगी, इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, और उसकी सैलरी समझ जाओ कि आपको लाखों करोड़ों रुपये में आपको उसकी सैलरी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आजकल MBA अगर किसी ने किया है और उसके पास अच्छी स्किल्स है तो कंपनी उन्हें करोड़ों रुपए देने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करती। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास कितना नॉलेज है,
अगर कोई स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो उसका करियर पूरी तरीके से सेट है। दोस्तों आज के टाइम में और आने वाले बहुत टाइम तक MBA की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो आपका ये करियर आपकी पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहो तो जो मैंने MBA के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई आप वो वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी कैट एग्जाम के बारे में, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ साथ आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।